6. Hasnain, he's come to the party. 5 to win. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद यासर और आपको आगे दिखाने जा रहे हैं विक्रांत गुप्ता का रिएक्शन। पाकिस्तान के बिना विश्व क्रिकेट अधूरी है। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप होना बड़ा जरूरी है। क्या पाकिस्तान सैंक्शंस अफोर्ड कर सकता है? शायद इंडिया पाकिस्तान का वो जो शो पीस मैच है नहीं होगा, शायद थोड़ा नुकसान होगा। आईसीसी पाकिस्तान के पास रहेंगे एशिया कप के, वो तो कोई डिबेट ही नहीं है। लेकिन ये एशिया कप खेला जाएगा यूएई में, ठीक है, अनाउंसमेंट नहीं हुई और अपनी ऑडियंस के लिए पीसीबी कुछ कह रहा है, बीसीसीआई की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ ऑफिशियली नहीं आया। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान भी इस बात को जानता था, नजम सेठी साहब जानते थे कि ही वॉज फाइटिंग अ लूजिंग कॉज। हाँ, वो राइट्स आपके पास रहेंगे, आपको उससे पैसा मिलेगा, लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं होगा। जैसे मैंने कहा, 2008 से लेकर अब तक कहां इंडिया और पाकिस्तान में एशिया कप हुआ है? इंडिया ने भी तो 2018 का एशिया कप दुबई में कराया था। इस चीज के लिए मुझे लगता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। दूसरा जो उन्होंने कहा है कि वर्ल्ड कप में हम नहीं आएंगे, अब वो पाकिस्तान की चॉइस है, क्योंकि पाकिस्तान के बिना विश्व क्रिकेट अधूरी है। वर्ल्ड कप स्पेशली इंडिया पाकिस्तान को ही सब बेचते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, तो पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में होना बड़ा जरूरी है। लेकिन क्या पाकिस्तान सैंक्शंस अफोर्ड कर सकता है? क्या वो ये प्रूव कर सकता है कि इंडिया के साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है? या फिर दूसरी ऑप्शन है ये प्रूव करने की कि हमारे प्लेयरों को इतनी सिक्योरिटी वहां पर थ्रेट होगा इंडिया में कि हम अपनी टीम नहीं भेज सकते? इन दैट केस वर्ल्ड कप तो होगा, शायद इंडिया पाकिस्तान का वो जो शो पीस मैच है नहीं होगा, शायद थोड़ा नुकसान होगा आईसीसी को। लेकिन जो सैंक्शंस भी पाकिस्तान पर लगेंगे वो भी आप समझिए, क्या वो पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है? लेकिन इस सारी प्रॉब्लम से विक्रांत, क्या आप नहीं समझते कि क्रिकेट का नुकसान हो रहा है? क्योंकि ये एशिया कप, इसके बाद फिर वर्ल्ड कप, फिर चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी भी पाकिस्तान ने करनी है, तो आपको नहीं लगता कि ये सही नहीं है? पाकिस्तान ने पिछले कुछ सालों में अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाया, आपका पीएसएल चल रहा है, अब पैसा भी आ रहा है, तो मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान वो करेगा। पाकिस्तान वर्ल्ड कप भी खेलने आएगा, लेकिन यहाँ पर जो लड़ाई पाकिस्तान को लड़नी है और जो वाजिब लड़ाई है वो है चैंपियंस ट्रॉफी की। भाई आईसीसी ने अलॉट कर दिया, अब अपनी लड़ाई अगर आप पाकिस्तान के लिहाज से देखें वो यही है कि आप इन दोनों सिचुएशंस में अगर आप मान जाते हैं, दोनों सिचुएशंस में आप बार्गेनिंग टूल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान नहीं होगा 2025 में, उसमें हमें कोई इस तरह का राड़ा या रेड़ा नहीं चाहिए कि कल को आप कहें कि जी पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट नहीं करेगा। तो वो मुझे लगता है बार्गेनिंग टूल जो है वो पाकिस्तान के पास रहेगा। दूसरी बात है कि बहुत से बयान भी आ रहे हैं, मैं भी सुनता रहता हूं, पढ़ता रहता हूं पाकिस्तान से अलग अलग के, उनकी शायद जरूरत नहीं है। एक ऐसा वक्त आया है जहां पर हो सकता है आने वाले वक्त में सिचुएशन बेहतर हो। तो कभी कभी होता ना कि आप ज्यादा बोल जाते हैं, ज्यादा कह जाते हैं, बाद में फिर वो मुनासिब नहीं होता वो लफ्ज वापस लेने के लिए। तो जैसे मैंने कहा, ये एक शुरुआत हो सकती है नजम सेठी साहब के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि चैंपियंस ट्रॉफी की जो कहानी है उस कहानी में पाकिस्तान ही होस्ट रहे।